कोटपुतली के मेन चौराहे से 2 किलोमीटर तक बनने वाले सीसी और डामर सड़क निर्माण कार्य प्रगति पर होने पर एडीएम जगदीश आर्य ने तत्काल ली बैठक में अधिकारी कर्मचारियों में एसडीएम सुनीता मीणा, एसपी राम कुमार कस्बा, डिप्टी दिनेश यादव, थाना प्रभारी दिलीप सिंह, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी चंद्रकला वर्मा, बिजली विभाग के एन चलताय, विभाग के जे एन आदि कर्मचारी मौजूद थे। बैठक में निर्णय लिया गया कि डाबला रोड ट्रैफिक को डिवाइड करने का निर्णय लिया। चौलाई होते हुए क्रासिम फैक्ट्री होते हुए चौकी से NH 48 पर डिवाइड किया गया। यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए पुलिस प्रशासन तैनात रहेगा। भरे ट्रेलर और खाली ट्रेलर पुल के ऊपर से जाएंगे। एक साइड का रोड ब्लॉक रहेगा और दूसरी साइड रोड पर छोटे वाहन जारी रहेंगे और कहा आमजन सहयोग करें। आज पुलिस, विद्युत, राजस्व, पानी, बिजली, नगर पालिका के अधिकारियों की बैठक ली गई और बैठक का मुख्य बिंदु डाबला मोड़ से लेकर के और कृपा के तिवारे तक सड़क चौड़ाईकरण का कार्य होगा, जिसको लेकर के ली गई बैठक में मुख्य निर्णय ये लिए गए कि यहाँ पर ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा दबाव है, रोड़ी और बजरी के ट्राले निकलते हैं, तो उन ट्रालों को जो है सीधा इधर गोवर्धनपुरा चौकी से और चौलाई तक अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री होते हुए और उसी तरीके से जो भरे हुए जो ट्रक और ट्राले हैं वो चौलाई से अल्ट्राटेक और गोवर्धनपुरा चौकी होते हुए निकलेंगे। ये बहुत बड़ा निर्णय लिया गया। इस निर्णय की पालना के लिए बैरिकेडिंग लगाए जाएंगे और पुलिस जाब्ता लगाया जाएगा। जो सड़क चौड़ाई के बीच में जो खंभे आ रहे हैं उनको शिफ्ट करवाया जाएगा। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है और जो सड़क सीमा में जो भी अतिक्रमण हैं उन सबको चिन्हित करके और उनको हटवाया जाएगा। सड़क में कोई बार बार कटनी हो उसके लिए सड़क के क्रॉस में पाइपलाइन डाली जाएगी और भविष्य में सीवर लाइन, पानी के लाइन, बिजली के अंडरग्राउंड लाइन को करने के लिए साइड में जगह छोड़ी जाएगी और सुचारू ट्रैफिक चलाने के लिए इंडिकेटर लगाए जाएंगे और इस विषय में विस्तृत जो है मीटिंग हुई है। छोटे वाहनों को किधर से डाइवर्ट? छोटे वाहन जो है जो वर्तमान में जो सड़क गुजर रही है उसके 2 हिस्से किए जाएंगे और उसी एक हिस्से में से छोटे वाहन निकलेंगे। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन